नमस्कार, मेरा नाम भानु प्रताप है। मैं आपको आज डायलिसिस कैसे होता है, कैसे ऑन होती है मशीन के बारे में आज आपको बताऊंगा, जो कि है हमारे पास 5008S मशीन। आरओ वाटर वाला जो वो है वो ऑन करना है, उसके बाद हमें प्रेशर देखना है। ये प्रेशर बार है, ठीक है, इसमें प्रेशर देखना है, वन एक से दो प्रेशर के बीच में इसमें प्रेशर होना चाहिए। ऑन हो चुकी है हमारी। अगर हमें पता नहीं है इसका क्लीनिंग स्टेटस, तो सबसे पहले हम इसका मशीन का क्लीनिंग स्टेटस चेक कराएगा। हीट का कब किया था और रिंस कब किया था, यहाँ पे टाइमिंग है। अगर हमारे को फिल्टर चेंज करने का स्टेटस देखना है तो यहाँ से देखेंगे। ये डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले बहुत जरूरी है ये देखना, कितना ट्रीटमेंट बचे हैं और कब लास्ट हीट डिसइंफेक्शन हुआ है। एवरी ट्रीटमेंट के बाद हीट डिसइंफेक्शन होना जरूरी है। कोई भी लगाने से पहले हम सबसे पहले रिंस करेंगे। मशीन के पार्ट पीछे की साइड से आगे से लेके पीछे साइड बताता हूँ। ये इनके डोर है, ठीक है। ये हमारा सिरिंज पंप है, जहाँ पे हम हिपरेनाइज सिरिंज लगाते हैं। जब ड्यूरिंग डायलिसिस में जो हिपरेन देना होता है तो ये उसके लिए काम में आता है। ये है ब्लड पंप, इसमें दो पंप है, एक ब्लड पंप है, एक सब्स्टिट्यूट पंप है। उसके बाद में ये डोम है, ठीक है, जो प्रेशर मेंटेन करता है हमारे आर्टरी जो लाइन है उसका। ये टेम्परेचर है दोनों आर्टरी और वीनस के। ये यहाँ पे सेंसर है जो कि एयर डिटेक्टर के रूप में काम करता है, जो एयर जाने पेशेंट में एयर नहीं जाने देगा, और ट्यूब जो भी ट्यूबिंग में एयर होगी वो यहाँ से यहीं तक ही रखेगा, वीनस चैम्बर तक ही रखेगा। ये वीनस चैम्बर का सॉकेट है। ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये ब्लड पंप हो गया। अब हम डोर बंद कर देंगे। ये हमारा आ जाता है ए पार्ट और बी पार्ट का। इसमें बाई बैग लगाते हैं हम, इसमें लिखा भी है बाई बैग। पीछे की साइड इसके होते हैं डायलाइजर, जो क्लीनिंग डायलाइजर बोलते हैं। ये दो होते हैं, डायसे फिल्टर भी बोलते हैं इन्हें, डायसे फिल्टर हैं दो। ये 84 डेज या 100 ट्रीटमेंट के बाद में चेंज करने होते हैं, जो हम मशीन ऑलरेडी बता सकती है। ये होता है इसका क्लीनिंग का कैन, ये सिट्रोसिल होता है इसके अंदर, कैन के अंदर फाइब्रेटरी कैन होती है, इसमें सिट्रोसिल होता है, इससे हीट डिसइंफेक्शन दिया जाता है। और ये ब्लैक वाला इसमें कोल्ड डिसइंफेक्शन के लिए है, ये जो कि हाइपोक्लोराइट वाली कैन में डाल के हम कोल्ड डिसइंफेक्शन देते हैं। इस साइड होता है कपलिंग के लिए, जो रेड और ब्लू होती है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट कपलिंग होती है, इनको कपलिंग बोला जाता है, जिससे डायसेट बाहर आता है। अब ये मशीन ऑन हो चुकी है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब एक तरफ आ रहा है हीट डिसइंफेक्शन, एक तरफ आ रहा है ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी ये स्टैंड बाई में है मशीन। सबसे पहले ये सिस्टम है, सिस्टम आता है, इसमें सारी होती है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, इसका लाउडनेस, अगर अलार्म की लाउडनेस कम ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ब्राइटनेस स्क्रीन की यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्राफिकल जो होता है वो कैसे कितनी देर में आना चाहिए, ऑटो पे आना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट में, वो होता है इसमें। जो हमारे ऑप्शन जो खुले हुए हैं वही फिलहाल काम करेंगे, जब तक हम ट्रीटमेंट पे किसी और पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होते, उसके बाद में ये सारे काम करते हैं ट्रीटमेंट चालू होने के बाद में। तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट लगाने से पहले रिंस देना जरूरी है और क्लीनिंग स्टेटस जानना जरूरी होता है। क्लीनिंग प्रोग्राम यहाँ पे स्टेटस आएगा, हीट कब दिया था हमने, रिंस कब दिया था। एवरी ट्रीटमेंट से पहले हमें डिसइंफेक्शन देना ही देना है, तो ये टाइमिंग है, जैसे अभी हमने जस्ट अभी दिया है तो हम देने की जरूरत नहीं है। जो रिंस होता है ये होता है 10 मिनट का, और ये होता है 40, हीट होता है हमारा 40 मिनट्स का, और ये होता है कोल्ड, अभी जैसे मैंने बताया वो कैन चेंज करने बाद ये होता है कोल्ड डिसइंफेक्शन, जो कि हाइपोसिल देते हैं हम। जैसे हमारा दोनों क्लीनिंग प्रोग्राम चालू हो चुके हैं। अब मशीन ऑन करने से के बाद में ट्रीटमेंट पे लेने के बाद में ट्रीटमेंट पे डालेंगे, ट्रीटमेंट पे जैसे डालेंगे वो होता है टी वन टेस्ट को हम यस कर देंगे। अब टी वन टेस्ट जो होता है ये मशीन का इंटरनली प्रोग्राम है, जो कि खुद अपनी तरफ से ये कहेगा कि अगर कोई भी अलार्म है, कोई भी अगर कोई दिक्कत है, तो ये खुद बताएगा कि क्या करना है। ये तभी काम करेगा तब हम सक्शन ट्यूब हमारे ए पार्ट में और बी पार्ट की जगह हम बाई बैग लगाएंगे।
तो हम सबसे पहले बाई बैग लगाते हैं। बाई बैग का ओपन करेंगे। बाई बैग हमें फ्रेश यूज करना है। ये पर पेशेंट पे एक यूज होता है, ठीक है। इसके छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। एक 500 का आता है, 650 का आता है। अगर बच जाए तो सडन तो हम दूसरे पे यूज कर लेते हैं और 12 घंटे के बाद में हम यूज नहीं करते हैं, बाई बैग खराब हो जाते हैं। बी पार्ट के लिए हम, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ए पार्ट में ये रेड वाली कपलिंग, इसके अंदर हम सक्शन ट्यूब बोलते हैं, इसे सक्शन ट्यूब इसमें फ्लूड आना चालू हो गया है। ये डायलेट होके मशीन अपने आप लेगी और डायलेसेट बनाएगी। यहाँ से भी ए पार्ट चेक करेगी, यहाँ से बाई बैग चेक करेगी, तब दोनों मिलकर डायलेसेट बनेगा। जब तक ये T1 टेस्ट कंप्लीट हो रहा है, होने के बाद ही हम ट्यूबिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आ रहा है प्रिपरेशन। अब हम ब्लड ट्यूबिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें ब्लड ट्यूबिंग चाहिए। ये हमारी ब्लड ट्यूबिंग है, ये हमारा डायलेजर है, ये हमारी 20 ml की सीरीज है जो कि रिपेयरिंग के लिए यूज होगी। अब हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हम आर्टरी वाली लाइन यूज करते हैं। सबसे पहले डोर खोलेंगे। सबसे पहले हम ब्लड पंप में ये वाला सर्किट फिक्स करेंगे। ये सर्किट फिक्स, ये जो इसका फ्रिजनेस का मार्क होता है, ये आप देख दिख रहा होगा, ये आपके फ्रंट में रहना चाहिए आपकी साइड। और ये यहाँ पे जैसे ही हम इसको फिक्स करेंगे तो ये साउंड आएगा। मैं अगेन दिखा देता हूँ। एक चीज और नोटिस करना, जब ये साउंड आएगा इसका फिक्सिंग का, तो डोम बाहर आएगा, ये आना जरूरी है। ये जो साउंड, इस साउंड के बाद ही डोम बाहर आएगा, उसके बाद में हम ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद ये प्रेशर का, ये टेम्परेचर, जितने भी हमारे छोटे क्लिप हैं उनको हमें क्लोज करना है। ये हमारी वीनस लाइन है, इस चैम्बर को बोलते हैं वीनस चैम्बर। तो सबसे पहले हमें वीनस चैम्बर यहाँ फिक्स करना होता है। ये होता है एयर डिटेक्टर, इसको अच्छे से फिक्स करना होता है। अगर ये अच्छे से फिक्स नहीं है तो हमारी एयर आगे ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे फिक्स करना है, ये डायलेजर में जाएगा। ये होता है TMP प्रेशर, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर नापने के लिए है। इसको यहाँ पे लगा दो। ये है हमारा डायलेजर। इसमें दो चैम्बर होते हैं, इनर और आउट। इनर में ब्लड रहता है, आउटर में हमारा डायलेसेट रहता है। ये डायलेजर का होल्डिंग है, डायलेजर में होल्डर बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूट लाइन है, जो सब्स्टिट्यूट लाइन बोलते हैं, जो कि हमारे सब्स्टिट्यूट पंप में एड होती है। इसका यहां से सब्स्टिट्यूट बाहर आता है, तो ये वाली क्लिप यहां पे लगेगी। ये जो सब्स्टिट्यूट वो है जो पुरानी हमारी जैसे 4008 मशीन थी, उसमें हमें जो प्राइमिंग, जो रिंसिंग जिसे बोलते हैं हम, वो मैन्युअली करनी होती थी। एनएस की बोतल लगा के जो हम मैन्युअली करते थे, उसको नाट आगे मशीन एडवांस मशीन है जो खुद सलाइन देती है। ये सलाइन होता है, एक्चुअली सब्स्टिट्यूट में सलाइन आता है जो खुद ऑटोमेटिक प्राइम करती है हमारी ब्लड ट्यूबिंग को एयर रिमूव के लिए। तो यहाँ से हमारा सलाइन आता है और यहाँ से आउट होता है, जो एक्स्ट्रा सलाइन होता है वो यहाँ से वापस चला जाता है। जो हमारा वीनस लाइन का जो एंडिंग पार्ट होता है, उसको हम इस वाली कपलिंग के लिए, दो कपलिंग आती है हमारे, कनेक्टर बोलते हैं इसके, ये
एक्स्ट्रा स्लाइम बाहर निकालने के लिए है, उसको हम यहाँ फिक्स करेंगे। सबसे पहले हमें इसे पुल आउट करना है और टर्न कर देना है। इजी है, दोनों इजी है। ऐसे सबसे पहले पुल आउट, देन टर्न, और लगाना भी ऐसे ही है, वापस से फिक्स करना। अगर ये लूज नहीं रहना चाहिए, अगर लूज रह गए दोनों में से तो यहाँ से सलाइन नीचे आएगा और इस वाले चैम्बर में भर जाएगा। इस वाले चैम्बर में क्या होता है कि यहाँ पे सेंसर है तो ये अलार्म करेगी मशीन। जो हमारी आर्टरियल लाइन है उसको हम सब्स्टिट्यूट पंप से जोड़ेंगे ताकि सलाइन सबसे पहले इसमें ही आता है। तो इसके ये कनेक्टर होता है ब्लू वाला, इसके थ्रू हम दोनों को आपस में लाएं। डोर बंद होने के बाद में ये अपने आप अपनी ट्यूनिंग ले लेंगे। सबसे पहले हमने आर्टरी लाइन लगाई यहाँ पे, जो कि साउंड के साथ आई, जिस साउंड के साथ। उसके बाद में डोम बाहर आता है, डोम में ये प्रेशर माउंटिंग का लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। सीरियल वाइज जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ आर्टरी लाइन जाएगी, ये याद रखना है। एक पार्ट नीचे वाला जो हिस्सा है वो नीचे की साइड जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पे क्लिप के बाद यहाँ पे क्लिप और डायलेजर में। ये टेम्परेचर के बाद में ये जो सब्स्टिट्यूट पॉइंट है उसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। हमेशा ये इनटेक के लिए यूज की जाती है, ये स्लाइन लेता है, चाहे ब्लड के लिए भी यूज हो रही है तो ये ब्लड लेगा। तो यहाँ से स्लाइन लेना है हमने, ठीक है। ये पंप रोटेट करेगा, स्लाइन यहाँ से आएगा, इसमें जाएगा, इससे जाने के बाद ये एक्स्ट्रा स्लाइन इससे बाहर निकल जाएगा। अभी हमारी ये ट्यूबिंग लग चुकी है, इसमें सबसे पहले तो हम ये कनेक्ट कर देंगे, जैसे ये यहाँ पे अच्छे से करना है, टाइट लूज नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में हम कपलिंग लगाएंगे। ये होती है एक इनलेट होती है, एक आउटलेट होती है, ठीक है। हम इसको अपोजिट लगाते हैं, दो प्रकार के डायलिस होते हैं, एक होता है हमारा को करंट, एक होता है काउंटर करंट, ठीक है। जो काउंटर करंट होता है वो होता है अपोजिट, जैसे ये अपोजिट लगा रहे हैं हम, ये होता है काउंटर करंट डायलिसिस। अगर हम सेम लगा रहे हैं तो होता है कोकरंट डायलिसिस। ये हमारी कपलिंग लग गई। कपलिंग लगाने के बाद डोर बंद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये वाला डोर अच्छे से बंद होना चाहिए, तभी प्राइमिंग का ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे। स्टार्ट करना है हमको। अब ये दिखा रहा है डायलिसेट साइड ऑफ द डायलेजर इज बीइंग प्राइम्ड। सबसे पहले डायलेजर प्राइम्ड हो रहा है, सबसे पहले डायलेजर प्राइम होगा जो कि डायलिसेट आएगा। इसमें दो चैम्बर होते हैं, इनर और आउटर। आउटर चैम्बर में डायलिसेट घूमेगा सबसे पहले, वहाँ की एयर रिमूव होगी। उसके बाद में हमारे ट्यूबिंग में स्लाइन आएगा, वहाँ की एयर रिमूव करेगा। डायलिसेट टाइमिंग बोलने के लिए जो स्लाइन है कहाँ पे से आ रहा है, इसका एक बार मुझे फ्लो बताएंगे इस मशीन में कहाँ से कहाँ आ रही है? सर मशीन में इनटेक के लिए ये है, आउटटेक के लिए है। यहाँ से हमारा डायलिसेट आ रहा है, डायलिसेट बन रहा है हमारा ए पार्ट और बी पार्ट और वाटर मिलके। ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, ये दोनों मिलके डायलिसेट बन रहा है। और ये कपलिंग को लगाने के कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम कपलिंग को डायलिसेट पे लगाते हैं? कपलिंग को लगाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्लव्स पहनने होने चाहिए और यहाँ से दबा के बाहर आएगी कपलिंग। जब भी हम करेंगे तो इसको दबाना है और बाहर खींच देना है, और लगाने के टाइम पे दबा के लगानी है। और ध्यान रहे कि अच्छे से यहाँ से बंद होनी चाहिए, अगर यहाँ से लूज होगी तो हमारा डायलिसेट बाहर आता रहेगा। अब ये डायलिसेट हमारा प्राइम हो चुका है, अब हमारी ट्यूबिंग इसमें दिख रहा होगा, ट्यूबिंग प्राइम हो रही है। ये रिंसिंग प्राइमिंग का ऑप्शन स्टार्ट है, ये एयर रिमूव हो रही है। इन एयर बबल्स को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए क्या हम और कोई प्रोसीजर या टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि डायलिसेट को टैप करना या कुछ? नहीं सर, वो पुरानी मशीन में होता था, इस मशीन में करने की जरूरत नहीं है सर। वो हमारी पुरानी मशीन में होता था कि अगर इसको हम टैप करते थे, और इसको जब हमारी 4008 मशीन में होता था वो टैप करने वाला, और उसके लिए जब हम प्राइम करते हैं उसके लिए हम उल्टा लगाते थे। लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन है इसमें न सीधे उल्टे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रहे कि जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं जो हमने लगाए हैं ये अच्छे से एयर टाइट होने चाहिए, कोई लूज नहीं हो। और जितने भी छोटे क्लिप हैं वो क्लोज होने चाहिए, अगर ये लूज होंगे
तो यहाँ से सलाइन बाहर आ जाएगा और एयर नहीं रुकेगी, एयर वापस अंदर चली जाएगी। जी रिंसिंग कितने समय का होता है? ये अमूमन 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का। तब तक हम साइड के पार्ट जान लेते हैं। ये हमारे बीपी के लिए है, अभी तो हम आईसीयू में वर्क कर रहे हैं। अगर मान लो हम नॉर्मल वार्ड में हैं, वहाँ पे कार्डियक मॉनिटर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक बीपी के लिए है। ये प्रेशर बैग लगाना है तो यहाँ से इसका बीपी का ऑप्शन खुल जाता है। ये बीपी का ऑप्शन है, यहाँ से प्रेस करना है और बीपी आ जाएगा। इसमें टाइमिंग होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट्स। यहाँ से रिम्स का स्टेटस पता चलता है कितना टाइम लग रहा है हमें। अभी जैसे 80% हो चुका है, 20% बचा हुआ है। ये आर्टरी प्रेशर दिखाता शो करता है, ये वीनस प्रेशर शो करता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर शो करता है। ये यूएफ बॉल है, ये यूएफ टाइम है। अगर जैसे हमें कितना बॉल लेना है वो यहाँ पे हम डालेंगे वो, और यहाँ पे कितने टाइम में डालेंगे वो यहाँ पे देखना है। जैसे 4 आवर्स का हमारा डायलिसिस है तो 4 आवर्स सेट करेंगे, कितना गोल है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। यूएफ रेट अपने आप सेट हो जाएगा उसके हिसाब कैलकुलेशन के हिसाब से, और एक पर आर पे कितना वॉल्यूम निकला है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये होता है हमारा डायलिसिस मेन्यू। इसके अंदर जो एक होता है ब्लड फ्लो, एक होता है डायलिसिस फ्लो। तो ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड पंप के लिए हमारे पास ये है, यहाँ से हम ब्लड फ्लो सेट करते हैं। जैसे 150 करना है तो ये हम 150 कर देंगे। स्लट मोड के लिए हम कम ब्लड फ्लो रखते हैं और यहाँ से हम डायलिसिस फ्लो रखेंगे। डायलिसिस फ्लो जस्ट डबल, जैसे स्लट मोड में हम जस्ट डबल प्रिस्क्राइब होता है, तो 300 करके ओके करते हैं, कर देंगे। ये कंसंट्रेट है, ये होता है हमारा बायबैग का, कौन सा बायबैग लगा है। जैसे आईसीयू का बायबैग है तो आईसीयू की मशीन के नाम से है तो आईसीयू का हो गया। ये हमारा था सोडियम का और ये बायकार्ब का। यहाँ से हम वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितने भी हमें सोडियम चाहिए हम उतना सोडियम सेट करेंगे, जितना बायकार्ब चाहिए हम बायकार्ब पेशेंट की वैल्यू के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें बीच में अगर मान लो बायकार्ब चेंज करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके बायबैग चेंज करना है। हमें डायरेक्ट पुल आउट नहीं करना है, ताकि उस अगर पुल आउट करने से हमारा बैग फट सकता है। तो सबसे पहले एम्प्टी द बैग, सबसे पहले डायलिसिस मेन्यू में जाना है, डायलिसिस मेन्यू के बाद में एम्प्टी द बैग में जाना है, उसके बाद में ये खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद पुल आउट करना है, इसको डस्टबिन डाल के नया हमारे पास ये होता है, ये नया है इस बायोबैग में। यहाँ पे ये आती है, सील निकालनी है इसकी और लगा देना है। क्या हम डायलिसिस से टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ सर, इससे टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं सर हम। ये टेम्परेचर है, हमें जितना भी टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया में पेशेंट है तो उसका टेम्परेचर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कम करना है पेशेंट का ब्लड टेम्परेचर, ज़्यादा करना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी हमारी रिंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख रहे होंगे प्री सर्कुलेशन में है। प्री सर्कुलेशन का मतलब ये है कि अभी यही जो रिंस में जो रिंसिंग वाला वाटर है, इस लाइन हमारा ये इसी चीज़ में सर्कुलेट हो रहा है और प्राइमिंग बंद हो चुकी है। अब ये पेशेंट मशीन मशीन पेशेंट कनेक्ट करने के लिए रेडी है फिलहाल। तो हम सेट करेंगे पहले, जैसे कितना है ये हमने हो गया है, उसके बाद में आएंगे आपको ब्लड प्रेशर का हो गया, ये हो गया ब्लड पंप का जितना सेट करना है। उसके बाद में ये होता है इमरजेंसी बटन, जहाँ पे प्लस लिख रहा है। अगर पेशेंट सडन कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, हमारे पास कोई असिस कराने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे और कॉल करेंगे डॉक्टर को जो भी ऑन ड्यूटी है, उसके बाद हम प्रोसीज कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा डायलिसिस रुक जाएगा, ठीक है। यूएफ जो यूएफ टाइमिंग है वो रुक जाएगा,
और ब्लड फ्लो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक हम पेशेंट को सलाइन देंगे, ये सारा काम ऑटोमेटिक मशीन कर देगी, हमें कोई डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है ये टेम्परेचर का हो गया, हिपेरिन का, हिपेरिन हमें कितना देना है। अगर हम बीच बीच में अगर मान लो क्लोट हमें चांसेस लग रहे हैं ब्लड ट्यूबिंग क्लोट होने के या डायलिसिस क्लोट होने के और हिपेरिन लगा हुआ है तो हम यहाँ से हिपेरिन बोलस भी देते हैं। उसके लिए ये हिपेरिन के लिए ये वाला यहाँ से कनेक्ट करके ये इन्फ्यूजन का है, हिपेरिन इन्फ्यूजन इसमें कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से ये ऑटोमेटिक बोलस जितना भी है पर ml है कितना है वो हमें देते हैं। आईसीयू पेशेंट्स में जब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या तो ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में होते हैं तो हम ये हेपरिन लाइन को ब्लॉक करके रखते हैं। हाँ जी, उसमें हेपरिन हमें लगाना ही नहीं है, उसे हेपरिन फ्री डायलिसिस करना होता है उसमें। भानु जी, कुछ केसेस में जहाँ पे हेपरिन फ्री होता है लेकिन सर्किट ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं तो क्या आप लोग लाइन को हेपरिन से बोलस दे के रिसर्कुलेट करते हैं? नहीं, वो रिसर्कुलेट नहीं करना है। अगर हम उसका सबसे पहले हमें उसका पीटीएनआर चेक करना है, उसका क्या स्टेटस है पीटीएनआर का। अगर वो ज़्यादा डी रेंज है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कोई फ्लैश फ्लैश नहीं करना है। हाँ, जब हमने पेशेंट कनेक्ट कर चुके हैं और फिर भी वीनस प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें बीच में बोलस देना होगा, ठीक है, स्लाइन से फ्लश करना होगा। स्लाइन से फ्लश जरूर करें हर आधा घंटे में, हर एक घंटे में, जब जैसे आपको लग रहा है कि वीनस प्रेशर बढ़ रहा है 200 से ऊपर जा रहा है तो हमें टाइम टाइम पे करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमारा वीनस चैम्बर हो रहा है तो हम इसको पोस्ट डायलिसिस में लगा देंगे, ये यहाँ से हमारा बोलस जाएगा स्लाइन, ताकि इसमें हल्का हल्के जाता रहेगा तो ये चैम्बर नहीं होगा, डायल्यूट होता रहेगा हमारा ब्लड स्लाइन से। ये यहाँ से हम ऑनलाइन में जाने के बाद हम यहाँ से बोलस दे सकते हैं। ये SDF प्रीस के मोड होते हैं, पोस्ट डायलिसिस प्री डायलिसिस, नॉर्मल एसिडी करना है नॉर्मल एसिडी, SDF प्री डायल्यूशन पे लगाना है प्री डायल्यूशन। प्री डायल्यूशन पे लगाने के लिए हमें जो सब्स्टिट्यूट वाला ये पार्ट होता है, प्री का मतलब होता है डायलेजर से पहले लगाया हुआ और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर डायलेजर। यहाँ पे तो ये कनेक्टर दिया होता है, यहाँ पे लगा है तो पोस्ट है, यहाँ पे लगा है तो प्री है। यहाँ से हम लगा देंगे, बीच में पेशेंट में अगर बोलस देना है, हम सलाइन का बोलस देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। कितना देना है वो ये रेट है, 30 ml से लेके 240 ml तक हम बोलस को दे सकते हैं पेशेंट को, जो मशीन खुद जनरेट करती है स्लाइन। मानू जी, आईसो फिल्ट्रेशन के बारे में कुछ बताइए। आईसो फिल्ट्रेशन सबसे पहले हमें कितना निकालना है वो देखना है, डॉक्टर ऑर्डर देखने हैं, उसके बाद में कितना गोल कितने टाइमिंग में निकालना है, जो हमें निकालना है वो तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद में हम ये ऑप्शन खुलेंगे, जैसे अभी मैं सेट करता हूँ 4 लीटर निकालना है हमको, फ्लूड ओवरलोड का पेशेंट है हमारे पास 4 आवर्स में, उसके में हमें लगाना है आईएसओ गोल लगाना है हमें 500 ml, तो हमें 500 ml यहाँ पे सेट करना है। टाइमिंग कितने टाइमिंग में निकालना है, क्या ऑर्डर है, जैसे हाफ एन आवर में 30 मिनट्स में निकालना है तो 30 मिनट सेट करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारा ISO 500 ml हमारा ISO गोल माना जाएगा और जो रिमेनिंग है वो UF गोल माना जाएगा। तो टोटल हमारा 400 निकल गया, 500 ISO निकल गया, 400 वो निकल गया, इसकी में ये आता रहेगा कि कितना निकल रहा है। उसके बाद में हम जाएंगे सिस्टम में, इसकी जो डेट वगैरह है, ये ग्राफिकल है, ये सब ऑप्शंस हैं जो जब खुलेंगे जब हमारे इसमें ब्लड आ जाएगा। OCM जो हमारा पैरामीटर है, हाँ जी, उसमें हम KP/V का वैल्यू जान सकते हैं। हाँ सर, उसके लिए हमें हीमोक्रेट की वैल्यू डालनी पड़ेगी और जो पेशेंट की जो क्या यूरिया वैल्यू है वो डालनी है, ब्लड यूरिया वैल्यू, तो KT/V आराम से आ जाती है, इससे हम पेशेंट क्लियरेंस डायलिसिस की जो डायलिसिस कराए हमने उसकी क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं कि कितनी क्लियरेंस हुई है। जो हमारा ऑर्डर होता है QB/QD, तो जो ब्लड फ्लो है हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम किस रेंज तक जा सकते हैं इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स, कितना मिनिमम हम सेट करते जो हैं? हमारा ब्लड फ्लो होता है वो डिसाइड होता है पेशेंट की कंडीशन और ब्लड प्रेशर के हिसाब से। अगर ब्लड प्रेशर उसका लो है तो हम जो ब्लड पंप की जो स्पीड है वो कम ही रखते हैं,
ब्लड फ्लो बोलते हैं इसे, ब्लड फ्लो 100 से लेके 150 तक रखते हैं, ये होता है स्लट मोड में। और मैक्सिमम होता है हमारा ब्लड एक्सेस, देखेंगे हम कि ब्लड एक्सेस क्या है उसके हिसाब से करें, 200 करते हैं। अगर ब्लड एक्सेस अच्छा है, अच्छा फ्लो दे रहा है, तो 240 250 तक भी जा सकते हैं। ये हमारा OCM हो गया है, ये हमारा क्लीनिंग स्टेटस है। तो क्लीनिंग स्टेटस जब हम मशीन ऑन कर रहे हैं तभी हमें चेक करना होता है कि क्या क्लीनिंग स्टेटस है इसका। तो ये हमारे जो डायलिसिस फिल्टर है उसका क्लीनिंग स्टेटस है, ये मशीन का क्लीनिंग स्टेटस है, ये हमारा कोल्ड डिसइंफेक्शन का स्टेटस है। उसके बाद में आ जाते हैं ट्रीटमेंट और री इन्फ्यूजन का, तभी खुलेंगे जब ये जो जितने ब्लू हैं वो अभी खुले हुए हैं ऑप्शन है, ताकि अभी हमने पेशेंट करेक्ट नहीं किया है, तब यहाँ पे ब्लड सेंस हो जाएगा, उसके बाद में ये दोनों ऑप्शन ऑन होंगे। तब तक के लिए यूएफ मेन्यू में आ गए। यूएफ मेन्यू में वो जो बताया गोल सेट करना है, हमें टाइमिंग सेट करना है ऑटोमेटिक, बाकी ISO गोल सेट करना है, ये ऑटोमेटिक हो गया। डायलिसिस मेन्यू मैंने बताया गया है, इसमें डायलिसिस वाला सेट करते हैं कि ब्लड फ्लो ये रहा, डायलिसिस फ्लो ये रहा। ये आता है हमारा कंडक्टिविटी का, जो हमारी कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है हमारे ए पार्ट, बी पार्ट एंड वाटर पे। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, इन दोनों की और वाटर की क्या कंडक्टिविटी है वो ये करती है। ये हमारी 4.2 से लेके 15 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। अगर ये कंडक्टिविटी अलार्म मशीन दे रही है तो इन द सेंस या तो हमारा ए पार्ट या बी पार्ट या फिर हमारे वाटर, इसमें कुछ ना कुछ है। जैसे अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा हीट कर रहा है तब भी कंडक्टिविटी अलार्म आएगा, कोई ए पार्ट ख़त्म हो गया तब भी कंडक्टिविटी आएगा, ए पार्ट में जो जितने मिनरल्स है उसमें कुछ है गड़बड़ है तो तब भी कंडक्टिविटी आएगा, बाई बैग ज़्यादा पुराना है 24 आवर्स के बाद में तब भी कंडक्टिविटी नहीं आएगी। तो हमें ये सब कुछ चीज़ देखनी है। ये आ गया ब्लड सिस्टम। ब्लड सिस्टम में आप देख रहे होंगे कि ये देख रहे होंगे ये जो ग्राफ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हमारा ट्यूबिंग का। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे से मिस्टेक हुई है तो हम इसमें से देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है, अगर नहीं समझ में आ रहा है। ये आप देखा होगा ये ब्लड पंप है हमारा, हमने ये लगाया था, सबसे पहले ब्लड पंप लगाया, उसके बाद में ये डोम बाहर आया, डोम में लगाया, उसके बाद यहाँ पे लगाया, उसके बाद में टेम्परेचर में लगा के कनेक्ट कर दिया। ऊपर वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे सेम यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में हमारी चली गई है डायलाइजर में, ये हमारा डायलाइजर शो हो रहा है। दूसरा TMP का यहाँ पे जो TMP वाला है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारा विनस चैम्बर है, विनस चैम्बर के बाद में हमारा एयर डिटेक्टर चैम्बर में आ गया, एयर चैम्बर में आने के बाद टेम्परेचर सेंसर और उसके बाद एक्सिस पॉइंट में यहाँ पे ऐड हो गया। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट पंप। अब सब्स्टिट्यूट पंप नीचे वाला तो इनलेट का हो गया, जहाँ से हमारा सलाइन लेगा ये सब्स्टिट्यूट, ये पंप रोटेट करेगा वो सलाइन देगा अपने आर्टेरियल लाइन में जो कि यहाँ कनेक्ट है। लेवल सर ये लेवल है, वीनस चैम्बर का लेवल है, इसको हम अगर जैसे अभी सेट है ये इतना, अगर इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे, जैसे आप जूम करके ये अभी ऊपर नीचे हो रहा है, ये 80% होना चाहिए, 30% खाली, 20% खाली होना चाहिए, इतना लेवल होना चाहिए। अगर किसी कारण से इसमें एयर आ जाती है या क्लोट हो जाता है तो क्लोटिंग के टाइम पे क्या है, नीचे क्लोट हो जाते हैं और लेवल अप हो जाता है। जो लेवल अप हो जाएगा, नीचे क्लोट बैठ जाएंगे तो हमारा जो वीनस प्रेशर है वो हाई हो जाएगा और बाकी और चीज़ भी क्लोट होने के, डायलिसिस क्लोट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसे हमें 70-80% ही रखना है, 80% मैक्सिमम है, 80% ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है हमने। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें एयर ना जाए और कोई क्लोटिंग के चांसेस ना हो। तो अगर ज़्यादा नीचे जा रहा है तो हम अप डाउन करके ऊपर ला सकते हैं, अगर ज़्यादा ऊपर आ गया है 90% आ गया है तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं। क्या इसे मैनुअली एयर रिमूव किया जा सकता है एयर ड्रॉपर से? लेवल एयर रिमूव, हाँ हम मैनुअली एयर अगर इसमें आ गई है चलते पेशेंट में तो यहाँ से हम एयर निकाल सकते हैं सीरिंज से, 50 ml की सीरिंज लेके यहाँ से एस्पिरेट कर सकते हैं एयर। अब हमारी मशीन रेडी है,
पेशेंट कनेक्ट करने के लिए। अब हमारी मशीन प्री सर्कुलेट हो चुकी है, अब हम पेशेंट को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें डोर खोलना है, डोर खोलने के बाद आर्टरी लाइन क्लैंप करनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये इसको वापस पुल आउट करके निकालना है और इसे क्लोज करना है, ध्यान है ये अच्छे से क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ये वीनस लाइन भी क्लैंप, इसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे। जो ये वाला है सब्स्टिट्यूट पंप की लाइन है, और इसका जो ये एंडिंग पार्ट है उसको यहाँ कनेक्ट करना है। ये हमारी आरटी लाइन है, ये वीनस लाइन है। इसमें अच्छा फ्लो है, उसमें हम आरटी लाइन कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फ्लो अच्छा चाहिए इसके लिए, डायलिसिस के लिए। उसके बाद दोनों क्लैंप खोल देंगे, आर्टरी और वीनस का। डोर बंद करेंगे, डोर बंद करने के बाद पंप ऑन कर देंगे। जैसे ही पंप ऑन होता है आपने देखा ब्लड आना स्टार्ट हो चुका है, यहां से ब्लड आ रहा ब्लड अब डायलाइजर के इनर चैम्बर में आ चुका है, जो कि डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के उस पर फिल्टर होते हुए नीचे लोअर साइड वीनस लाइन में, वीनस लाइन से वीनस चैम्बर में, वीनस चैम्बर से हमारे जो सेंसर है यहाँ पे एयर सेंसर और ब्लड डिटेक्टर सेंसर, जैसे यहाँ पे आता है तो मशीन ब्लड डिटेक्ट करेगी। ये है हमारा जो अलार्म आएगा, यहाँ पे जैसे ब्लड डिटेक्ट होगा तो हिपेरिन का आएगा कि हिपेरिन स्टार्ट करना है या नहीं। अभी जैसे हमारा ये पेशेंट है, एक आई और फ्लूइड ओवरडोज का हमारा पेशेंट है, तो इसमें हम प्रेस्क्राइब है कि हिपेरिन फ्री करना है, तो हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही ब्लड डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वार्निंग साइन ब्लड डिटेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट। जब तक हम ये स्टार्ट नहीं करेंगे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, ब्लड पंप स्टॉप रहेगा। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट और डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। यह पंप घूमने लग गया हमारा, हमारा डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स के ऑर्डर के यहाँ पे हमारे पैरामीटर हमने सेट कर लिए हैं। इसे 4000 ml हमारा यूएफ गोल है, यूएफ टाइम 6 आवर्स है, और जो ब्लड फ्लो है वो 150 है, और जो डायलिसिस फ्लो है 300 ml है। अभी ये हमारा ये आर्टरी प्रेशर है, ये वीनस प्रेशर है। जब हमारा आर्टरी प्रेशर बढ़ता है तो ये हमारा लोअर आर्टरी प्रेशर अलार्म आता है, ठीक है। ये हमारा क्यों आएगा, ये ब्लड पंप है जो हमारा पेशेंट से सक करता है, ठीक है। जब इसमें कोई लो, जब ब्लड फ्लो 150 ml पर मिनट के हिसाब से कम ब्लड फ्लो है, ना ही हमारा प्रॉपर ब्लड नहीं दे पा रही है, तब हमारा ब्लड फ्लो आएगा। इसे पैसे से पहले हमें रिसेट करना है और चेक करना है कि यहाँ से किसका प्रेशर कितना है, कितना हमारा फ्लो आ रहा है, फ्लो चेक करना है। दूसरा है हमारा वीनस प्रेशर। अगर वीनस प्रेशर जब बढ़ता है, अभी जैसे ये बढ़ रहा है आपको दिख रहा है, तो वीनस प्रेशर जब बढ़ेगा तब मशीन वीनस प्रेशर अलार्म बताएगी। अपर वीनस प्रेशर
ये हमारा इंडिकेट करेगा कि डायलेजर के बाद में जब जो ये ब्लड आ रहा है बीच में कहीं भी रुकावट होगी या क्लोट होगा या वापस लाइन का टिप में क्लोट होगा, कहीं पे भी क्लोटिंग अगर है, अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो वीनस प्रेशर ऑटोमेटिक हमारा बढ़ जाएगा। जैसे ही वीनस प्रेशर बढ़ेगा तो ये मशीन अलार्म करेगी, तो हमें सबसे पहले वो सेट करना है, उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है हमारी। या तो डायलेजर क्लोट होगा तो प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगी प्रॉब्लम, डायलेजर क्लोट होगा तो यहाँ पे होगी वीनस चैम्बर, उसके बाद वीनस चैम्बर क्लोट होता है हमारा तो वीनस चैम्बर के बाद में हमारा यहाँ पे क्लोटिंग आएगी। तीसरी हमारी लाइन में क्लोटिंग आ सकती है, लाइन ब्लॉक हो सकती है, तीन ही कारण से हमारे वीनस प्रेशर बढ़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे रेन ट्यूज का अलार्म आएगा डायलिसिस खत्म होते ही, तो देन आफ्टर उसके बाद हमें आर्टरी लाइन को डिस्कनेक्ट करना है, आर्टरी लाइन को क्लैंप करना है, क्लैंप करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा सब्स्टिट्यूट पॉट है इसमें जो लाइन ये गई हुई है इसके साथ में आर्टरी लाइन को कनेक्ट कर देना है। फिर देन आफ्टर जो रेन ट्यूज का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये रेन ट्यूज हो जाएगा। Remove all lens.